पंचल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। नेहरू युवा केंद्र द्वारा धूमधाम से मनाई गई बापू शास्त्री की जयंती। शनिवार को जनपद भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जगह जगह धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में कार्यक्रम का आयोजन शहर के रायपुर जराजा में स्थित नेहरू युवा केंद्र कार्यालय पर भी किया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, तत्पश्चात जिला युवा अधिकारी के कुशल नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत झाड़ू लगाकर और कचरे उठाकर स्वच्छता संदेश दिया। अभियान में मुख्य अतिथि शाहिना परवीन, प्रबंधक झूली सिलाई कढ़ाई केंद्र और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उदय राज सिंह, कलाकार राजेश मालिक, कलाकार और लेखक आफताब आलम समाज सेवी रहे। श्रमदान कार्यक्रम के बाद दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यालय के पर्यवेक्षक इंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उनमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी की थी। उस कल्पना को लोगों द्वारा सेवा भाव ढंग से ही पूरा किया जा सकता है। हमारे देश ने आज़ादी के बाद से बहुत तरक्की की है, लेकिन यदि हम सब लोग गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को आत्मसात कर लें तो निश्चित ही हमारा देश और तरक्की करेगा और समाज में खुशहाली आएगी। गांधी जी और शास्त्री जी के पदचिन्हों पर चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए आज के युग में जो समाज में बेहतर काम करते हैं उन्हें पहचान अवश्य मिलती है। अंत में जिला युवा अधिकारी ने आह्वान किया कि सभी लोग स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले में, गांव में और अपने कार्यस्थल पर सबसे पहले स्वच्छता अभियान से जुड़ें और इस अभियान को धरातल पर उतारें ताकि जन जन को स्वस्थ रखा जा सके। इस दौरान रविशंकर तिवारी, शिवा अवस्थी, अनुभव शुक्ला, दीपक तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।